अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ क्विक एंड हेल्दी सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम 5 मिनट में तैयार कर लेंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है और सच में ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। इस सैंडविच को बनाने के लिए बाहर से आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, घर में मौजूद सामान से आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 अंडे अच्छे से बॉईल कर लेंगे और अब इसका शेल रिमूव करके इसे चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से इसे कट कर लेना है। और यहाँ पर अब मैंने ब्रेड की स्लाइसेस दे ली हैं और इनकी एजेस को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर तमाम स्लाइसेस के हमने एजेस को कट कर लेना है। इनकी एजेस को आपने वेस्ट नहीं करना है। इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलेगी तो आप ज़रूर देखिएगा। सारी ब्रेड स्लाइसेस के एजेस को हमने कट कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। 1 कप मेयोनीज ले लेंगे और ये होममेड मेयोनीज है, तो आपको इसकी रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो काइंडली वहाँ चेक कर लीजिएगा। अंडे भी रेडी है और अब हम चलते हैं मेयोनीज में फ्लेवर्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट कम ही रखिएगा क्योंकि मेयोनीज के अंदर भी सॉल्ट होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी मेयोनीज भी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसके अंदर अंडे भी शामिल कर देंगे। और अंडे शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक जेर मेयोनीज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। खीरा हमने काट के रख लिया है और इसके अलावा टमाटर भी कटे हुए हैं, तो अब हम चलते हैं असेंबलिंग के लिए। स्लाइस रखेंगे और इसके बाद इसके अंदर एक जेर मेयोनीज ऐड कर देंगे, जिसे हमने पहले ही तैयार कर लिया था, और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से बटर नाइफ की हेल्प से। मेयोनीज को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद खीरा और टमाटर की स्लाइसेस इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। और इसके बाद अब एक और स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर केचप ऐड कर देंगे। ये होममेड केचप की रेसिपी है और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा इन दोनों रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वो काइंडली वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो अब इस स्लाइस को हम टॉप पे ऐड कर देंगे बिल्कुल एज इट इज़। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हमारा सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अंदर से कुछ इस तरीके से हमें सैंडविच नज़र आएगा। लग रहा है ना दिखने में कितना यमी, जब इसे आप बनाएंगे तो खुद मानेंगे। और अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी तमाम सैंडविचेस हमने तैयार करने हैं। और अब इसको कटिंग करने का तरीका ये है कि आपने सेंटर से इसे कट करना है। आप दोनों तरीके से इसे कट कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे सैंडविच बना के तैयार कर लिए हैं, कुछ ट्रायंगल में और कुछ सेंटर में इसे कट करके। तो आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप इसे बना कर तैयार कर सकते हैं। आप इसे इवनिंग या मॉर्निंग टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अब मैं आपको इसका टेस्ट भी बताती हूँ कि खाने में कैसे लगेंगे। तो ये खाने में बिल्कुल लाइट वेट है और इसमें इतनी स्पाइसेस भी नहीं कि बच्चों का खाने में मुश्किल हो। तो ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप केचप की जगह चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस सैंडविचेस को मज़ीद फ्लेवरफुल बना देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे पहले बनाएंगे क्रेप्स का बैटर, जिसके लिए 2 अंडे एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसे व्हिस्क कर लेंगे। एक स्प्रेड करने के लिए आप बीटर या फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने व्हिस्क यूज़ किया है और अब फ्यू सेकेंड मैंने इसे विस्क करने के बाद ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स अब ऐड कर देंगे 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर। मैदे को पहले ही मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। अब इन एग्स के अंदर हम ऐड कर देंगे मैदा और मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से लिक्विडी फॉर्म में लाने के लिए हम ऐड करेंगे 1 कप रॉ मिल्क। मिल्क ऐड करने के साथ साथ ही आपने इसे अच्छे तरीके से व्हिस्क करते जाना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। तो यहाँ देख सकते हैं लम्स फ्री बैटर रेडी हो चुका है क्रेप्स का। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स। सॉल्ट एंड स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से अगेन हम मिक्स कर लेंगे। क्रेप्स का बैटर लम्स फ्री होना चाहिए तो आपने ज़रूर इसे अच्छे तरीके से व्हिस्क करना है। क्रेप्स बैटर रेडी है, अब हम चलते हैं एग्स बीट करने के लिए। एग्स बीट करने के लिए बड़ा सा बाउल के अंदर 2 अंडे तोड़कर ऐड कर देंगे।
मैं यहाँ पर बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो फोक या फिर विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 मिनट अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसके अंदर सब्जी ऐड कर देंगे, जिनमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें और धनिया है। और इन तमाम वेजीज़ को ऐड करने के बाद अब हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे एग्स के बैटर में। और इसके अलावा अगर आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, बट क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और इसके अलावा 1/4 टीस्पून सॉल्ट। तो नमक और मिर्चें आप बहुत एहतियात से ऐड कीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद तो आप इसका भी कर सकते हैं। सॉल्ट केयरफुली ऐड करना है क्योंकि क्रेप्स के बैटर में भी नमक मौजूद है। बैटर रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन लिया है और इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद ऐड कर देंगे 1/3 कप से नापते हुए बैटर। क्रेप्स बैटर ऐड करने के बाद आपने इसे रोटेट करना है ताकि इवनली स्प्रेड हो सके। आपने इसमें स्पून, स्पैचुला या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना बैटर अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड नहीं होगा और कुक भी नहीं हो पाएगा। 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे तरीके से कुक किया है और यहाँ पर इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है, तो इसकी साइड को टर्न कर देंगे। अब इस कुक साइड पर हम ऐड कर देंगे एग्स बैटर और फिर इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। एग्स बैटर को इवनली स्प्रेड करना है ताकि क्रेप्स पूरा कवर हो सके। तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं क्रेप्स का लेयर बिल्कुल कवर हो गया है बीटन एग से। और अब हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे और यहाँ देख सकते हैं अदर साइड जो हमने टर्न की थी वो भी कुक हो चुकी है। 10 सेकंड मैंने इसे कुक किया है और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे चीज़। यहाँ पर चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो अब हम इसकी साइड को फोल्ड कर देंगे। लेफ्ट एंड राइट साइड से क्रेप्स को अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में करके बता रही हूँ। और अब हम इसे 10 सेकंड के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि चीज़ फुली मेल्ट हो सके। तो यहाँ पर 10 सेकंड मैंने वन साइड को किया है, अब इसकी साइड को दोबारा टर्न करेंगे। अब इस टर्न की हुई साइड को हम अगेन 10 सेकंड कवर करके कुक करेंगे। आफ्टर 10 सेकंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेप्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम क्रेप्स बना के तैयार कर लेंगे। इस बैटर से आप 3 से 4 क्रेप्स आराम से बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप स्मॉल साइज़ के पैन में इसे बनाएंगे तो 5 से 6 आराम से क्रेप्स बन जाएंगे। मैं इन क्रेप्स को मीडियम साइज़ के पैन में बना रही हूँ, इसीलिए 3 से 4 क्रेप्स रोल बन के तैयार हुए थे। अगर आपको क्रेप्स ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसी सेम क्वान्टिटी को डबल कर सकते हैं। क्रेप्स का साइज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। अगर थिन होगी तो ये टूट जाएगी और अगर थिक होगी तो अंडर कुक रह जाएगी। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखते हुए आपने इन क्रेप्स को बनाना है। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम क्रेप्स रोल मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ख़ुद मानेंगे कि ये कितनी लाजवाब रेसिपी है। मैं अब आपको इसे कट करके भी दिखा दूँगी कि अंदर से ये चीज़ ही किस तरीके से लगेंगे। तो आपको मेरे कट करने से ही पता लग रहा होगा कि कितने ये सेटिस्फाइंग है। और अंदर से भी देख सकते हैं चीज़ ही बिल्कुल मज़ेदार से ये बन के तैयार हुए हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 मोटी हरी मिर्चें ले ली हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो ये जो छिलका है आप इसको वेस्ट नहीं कीजिए, आप इसको किसी भी तरकारी में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। और यहाँ पर हमने सारा जो पल्प था वो ले लिया है और अब ये हरी मिर्चों को हम कट कर लेंगे। तो फाइनली चॉप कर लेना है आपने इसको। अब एक पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बटर ऐड किया है ताकि इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए। अगर आप चाहें तो घी में भी कर सकते हैं और ओनली बटर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हरी मिर्चों को 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। और अब हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे। इसका पानी बिल्कुल हमने ड्राई नहीं करना है, सिर्फ इसको हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। टर्किश में इसे ब्रेकफास्ट में बहुत शौक से खाया जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मिनटों में बन जाती है। तो अब इसी दौरान हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। सॉल्ट और स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपको जितनी पसंद हो आप डाल लीजिए। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको मज़ीद अच्छे से पकाना है। ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने यहाँ पर टमाटर को बहुत अच्छे से कुक किया है और अब इसके अंदर हम चीज़ की स्लाइसेस ऐड कर लेंगे। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास मोज़रेला है या प्रोसेस चीज़ हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर दूँगी और हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने इसको इतना कुक करना है कि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए।
ये बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाते हैं और आप इसको अपनी किसी भी पसंद की ब्रेड या फिर पराठे के साथ इंजॉय करें। चीज़ भी अच्छे से मिक्स हो गई है तो आप इसके अंदर हम अंडे ऐड कर देंगे। तो वन बाय वन हम इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं और मैं इसको डाल रही हूँ। तो हमने इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, सिर्फ इसकी जर्दी को थोड़ा सा जस्ट फैला देना है, ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना है। तो इसे हमने 2-3 मिनट कुक करना है और इसके बाद इसको कवर कर देना है और ये अपनी ही भाप में पक जाएंगे। 1.5 मिनट हमने इसको ढक कर रखा था और यहाँ पर हमारे जो मैन है वो रेडी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया गार्निश कर दूँगी। अब यहाँ पर आपको मैं कट करके दिखाऊँगी कि ये इसी तरीके से ही ट्रेडिशनली खाया जाता है, ये फुली कुक नहीं होता। थोड़ा सा टमाटर की ग्रेवी इस तरीके से नज़र आती है और जर्दी भी फुल कुक नहीं होती। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।